हाय फ्रेंड्स, ये हमारे सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का थर्ड टॉपिक है, मूर एंड मेले मशीन। और इस टॉपिक का ये लेक्चर नंबर 1 है, 3.1। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। इससे पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा का जो क्लासिफिकेशन उसको देख चुके हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा के दो टाइप्स होते हैं। एक है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, जिसके अंदर DFA है, NFA है, एप्सिलॉन NFA है। और इसी तरह से जो दूसरा पार्ट था वो था फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो इसके अंदर इसके जो है दो टाइप्स है, एक है मूर मशीन और एक है मेले मशीन। तो हम यहाँ पे जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मूर मशीन और मेले मशीन जो है यानी सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा इन दोनों के अंदर जो है डिफरेंस है। तो अगर हम इन्हें यानी इनका अगर डेफिनेशन अगर हम देखें, तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन है कैपिटल क्यू सिग्मा डेल क्यू नॉट कैपिटल डेल एंड लैम्बडा का। तो कैपिटल क्यू जो है यहाँ पे ये है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जैसा हमने DFA और NFA के अंदर देखा था। सिग्मा यहाँ पे सेम जो है इनपुट सिंबल्स है। डेल जो है ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, और क्यू नॉट जो है ये इनिशियल स्टेट है। और इसके बाद में जो दो चीजें यहाँ पे ऐड हुई हैं वो है कैपिटल डेल। कैपिटल डेल जो है वो है हमारे आउटपुट अल्फाबेट्स है, और लैम्बडा एक है जो ऐड हुआ है वो है आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा कैपिटल एफ नहीं है, है ना, जो हमने DFA के अंदर और NFA के अंदर और एप्सिलॉन NFA के अंदर देखा था कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो यहाँ पे कोई जो है फाइनल स्टेट नहीं रहेगी, है ना। मूर मशीन और मेले मशीन जो है ये किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का काम नहीं करेगी, बल्कि ये काम करेगी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है एक यूनिक स्ट्रिंग को जनरेट करने का काम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मूर मशीन। तो मूर मशीन जो है इसके अंदर जो हमारे आउटपुट सिंबल्स है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आउटपुट सिंबल्स क्या है, इनपुट सिंबल्स पहले अगर हम देखें तो क्या है, ए और बी, है ना, सिग्मा इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। और जो आउटपुट सिंबल्स है वो है 1 और 0, है ना, दैट इज कैपिटल डेल। कैपिटल डेल इज इक्वल्स टू 0, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो आउटपुट्स है वो आउटपुट जो है एसोसिएटेड है विद स्टेट्स के साथ। ठीक है ना, जैसे क्यू नॉट के साथ यहाँ पे 1 जो है एसोसिएटेड है, और क्यू 1 के साथ जो है 0 है। ठीक है ना, यानी जैसे मैं जो है इन स्टेट्स के अंदर पहुंचूंगा तो उस स्टेट के विद रिस्पेक्ट जो है आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये मेरी स्ट्रिंग है ए कॉमा बी। ठीक है, ए बी ये जो है मेरी एक स्ट्रिंग है ना। अब मैं जो है इस स्ट्रिंग को इस मूर मशीन के थ्रू पास करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे आउटपुट क्या जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इनिशियल स्टेट में रहूंगा, तो जैसे ही मैं इनिशियल स्टेट के अंदर आऊंगा वहां पे जो है आउटपुट जनरेट होगा 1, है ना। जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यानी मैंने जो है इसे एक्सप्लेन किया है, जैसे मैं इनिशियल स्टेट में आया तो मेरा आउटपुट जनरेट हुआ 1। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट में मैं था और मेरे पास जो है इनपुट सिंबल आया ए, दैट इज क्यू नॉट ऑन ए, इट इज गोइंग टू सेल्फ, यानी उसी स्टेट में रह रहा है और फिर से जो है आउटपुट जनरेट होगा 1। क्यू नॉट जो है पहला सिंबल आया ए, और क्यू नॉट में ही रहा और आउटपुट क्या जनरेट हुआ 1। ठीक है, इसी तरह से मैं अब ए तो जो है पास हो गया, अब मेरे पास आया है, मेरे पास बचा है बी, तो मैं क्यू नॉट में था और मेरे पास आया बी, तो मैं कहाँ चले जाऊंगा, क्यू 1 में, और क्यू 1 के अंदर जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा 0। तो क्यू नॉट था, बी आया, मैं चलेगा क्यू 1 में और आउटपुट जनरेट हो गया 0, और यहाँ पे जो है मेरी पूरी स्ट्रिंग खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो है 1, 1, 0। ठीक है, तो ये यानी हमारी ये जो स्ट्रिंग है ए बी, इसके जो है विद रिस्पेक्ट एक जनरेटेड जो है आउटपुट है। तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सा अगर यानी ध्यान दूं तो मेरे इनपुट की अगर मैं साइज देखूं तो वो है 2, और मेरा जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसकी साइज है 3, दैट इज 2+1। यहां से क्या पता चला कि मूर मशीन के अंदर अगर इनपुट की साइज जो है n है तो आउटपुट की साइज क्या होगी, n+1। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन है मूर मशीन का। अब हम बढ़ते हैं मेले मशीन की तरफ। तो मेले मशीन में जो है जो थोड़ा सा यानी मूर मशीन से डिफरेंस है वो ये है कि मेले मशीन के अंदर जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड करेगा कि भी हम किस स्टेट में है, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा जो है ट्रांजिशन क्या है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूर मशीन के अंदर जो मैंने आउटपुट लिखा था वो स्टेट के साथ लिखा था,
लेकिन यहाँ पे अगर मैं आउटपुट देखूँ तो जो जो आउटपुट्स है वो है ट्रांजिशंस के ऊपर, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस स्टेट में हूँ और उस स्टेट पे जो है जो मेरा इनपुट सिंबल है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, जैसे अगर मैं इनिशियली सेट में आया क्यू नॉट में, मैं वही जो है जो स्ट्रिंग मैंने वहां पे कंसिडर किया था ए बी, वही यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ये मेरे पास है ए बी, ठीक है। अब मैं ए को पास करना शुरू करूंगा, मैं इनिशियल स्टेट में आया, यहाँ पे इनिशियल स्टेट में आने के बाद मेरे पास कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा जब तक कि मैं मेरे पास कोई इनपुट सिंबल ना आए। तो पहले आया मेरे पास ए, ठीक है, तो क्यू नॉट ऑन ए इट इज गोइंग टू क्यू नॉट, और जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा वन, है ना। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, इनिशियल स्टेट में आया मैं और क्यू नॉट में था, क्यू नॉट में मेरे पास जो इनपुट आया वो आया ए, और मैं फिर से जो है क्यू नॉट में चले गया और मेरे पास आउटपुट जो जनरेट हुआ है वो है वन। यहाँ मैं इस ट्रांजिशन के ऊपर देख सकता हूँ, है ना, क्यू नॉट ऑन ए इट इज गिविंग वन। अब मेरे पास आया है बी, मैं क्यू नॉट में हूँ और मेरे पास आया है बी, अब क्यू नॉट ऑन बी इट इज गोइंग टू क्यू वन, ये क्यू वन पे जा रहा है ना, और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है जीरो, है ना। क्यू नॉट ऑन बी इट इज गोइंग टू क्यू वन, और आउटपुट जो है हमारा जनरेट हो रहा है वो हो रहा है जीरो। तो यहाँ पे अब अगर अगर हम देखें तो मेले मशीन के अंदर अगर जो हमारा यानी ये जो स्ट्रिंग हमने पास की है ए बी, इसके विद रिस्पेक्ट जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो हुआ है 1 0, है ना। तो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो अगर मेरे इनपुट की साइज यानी यहाँ पे अगर इनपुट मेरे इनपुट की साइज जो है 2 है तो आउटपुट की साइज भी जो है 2 है। तो इसे क्या पता चला कि अगर मेरे मशीन से मैं किसी स्ट्रिंग को अगर मैं पास कराऊंगा और उस स्ट्रिंग की साइज अगर n होगी तो जो उस स्ट्रिंग के लिए जो एक यूनिक आउटपुट जनरेट होगा उसकी भी साइज जो है n होगी। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है मुरे मशीन के अंदर और मिले मशीन के अंदर, है ना। मुरे मशीन में जैसे मैं जो है इनिशियल स्टेट में पहुंच रहा हूँ विदाउट एनी सिंबल एक आउटपुट जनरेट हो जा रहा है ना, और लेकिन मिले मशीन में वैसा नहीं है, है ना। मिले मशीन में जब तक कि मेरे पास इनपुट सिंबल्स नहीं आएंगे तब तक के आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो ये जो है हमारा एक्सप्लेनेशन था मुरे एंड मिले मशीन का, और आगे हम जो है इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।